मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आई एम डिस्कसिंग अबाउट एसिड बेस एंड सॉल्ट। इन माय प्रीवियस वीडियो आई हैव डिस्कस अबाउट केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट एंड आई हैव डिस्कस टू यू प्रोडक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, देन आफ्टर यूजेज ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, देन यूजेज ऑफ क्लोरीन, यूजेज ऑफ हाइड्रोजन, यूजेज ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। टूडेज टॉपिक इज वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा इज सोडियम कार्बोनेट कंटेनिंग 10 मॉलिक्यूल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। दैट इज वॉशिंग सोडा इज सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या है ये मैं कुछ देर में आपको बताता हूँ, अभी आप ऐसे सुनिए। द फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा इज Na2CO3 10H2O। सोडियम कार्बोनेट विच डज नॉट कंटेन एनी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज कॉल्ड एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट। Na2CO3 एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट इज कॉमनली नोन एज सोडा एस। इट्स अल्टरनेट नेम इज सोडा एस और कॉमर्शियल नेम इज सोडा एस। वॉशिंग सोडा इज इम्पोर्टेंट केमिकल्स ऑब्टेन फ्रॉम सोडियम क्लोराइड। इसको भी हम सोडियम क्लोराइड से ही प्राप्त करते हैं। कैसे प्राप्त करते हैं? अ कोल्ड, मैं दूसरी बुक लूँ, यहाँ पर देखिए आप, है ना, ध्यान से देखेंगे। वॉशिंग सोडा इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड से इसको क्या किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। इसके स्टेप्स हैं बच्चों, 3 स्टेप में हम इसको प्राप्त करते हैं। पहला है अ कोल्ड एंड अ कॉन्सेंट्रेटेड सोडियम सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। कोल्ड, ठंडा और कॉन्सेंट्रेटेड होना चाहिए, सोल्यूशन होना चाहिए, जिसको हम क्या कहते हैं, ब्राइन कहते हैं। सोडियम क्लोराइड के सोल्यूशन को, मोल्टन सोडियम क्लोराइड के सोल्यूशन को हम ब्राइन कहते हैं। रिएक्ट विद अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड टू ऑब्टेन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसको रिएक्ट कराकर हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाते हैं। NaCl प्लस NH3 प्लस H2O प्लस CO2, इनको जब आपस में मिक्स करते हैं, आप मिलाते हैं, तो क्या बनता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस NH4Cl बनता है, अमोनियम क्लोराइड। सेकेंड स्टेप में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ये इज सेपरेटेड बाय फिल्टरेशन। इसको हम सेपरेट कर लेते हैं, फिल्टर करके सुखा लेते हैं गर्म करके, और ऑन हीटिंग गर्म करने पर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट डिकम्पोज, यह टूट जाता है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ी थी आपने, हीट कर दिया इसको, डिकम्पोज हो गया, क्या बनेगा, सोडियम कार्बोनेट। डिकम्पोज होकर सोडियम कार्बोनेट बनाता है एक तो, और अन्य जो बाय प्रोडक्ट बनते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और H2O बनता है। अब जो ये है Na2CO3, ये एनहाइड्रस होता है बच्चों। द एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट ऑब्टेंड हेयर इज कॉल्ड सोडा एस। इसी को हम सोडा एस कहते हैं। फिर थर्ड स्टेप में एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट सोडा एस इज डिजोल्व इन वाटर। इसको वाटर में डिजोल्व कर लिया जाता है एंड रिक्रिस्टलाइज टू गेट वॉशिंग सोडा। इसको क्रिस्टल स्ट्रक्चर दिया जाता है, फिर क्या बनाया जाता है, वॉशिंग सोडा बनाया जाता है। सोडा क्रिस्टल कंटेनिंग 10 मॉलिक्यूल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, Na2CO3 प्लस 10H2O, 10 मॉलिक्यूल वाटर के ऐड कर दिए इसमें हमने, तो जैसे ऐड किया तो क्या बना, Na2CO3 10H2O सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, डेका माने 10 मॉलिक्यूल वाटर के। अब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एक टर्म आया था यहाँ पर, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का मतलब होता है किसी सॉल्ट को क्रिस्टल स्ट्रक्चर देने के लिए मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए होता है, तभी वो क्रिस्टल स्ट्रक्चर प्राप्त करता है, उसी को हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। क्लियर हो रहा है?
ठीक हो गया। अब आप ये सारे क्या कहते हैं रिएक्शंस आप नोट करेंगे। अगली बात आती है प्रॉपर्टीज ऑफ वॉशिंग सोडा। लुक एट अ ग्लांस, एक नज़र में देखिए, वॉशिंग सोडा इज़ ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड। ट्रांसपेरेंट है, पारदर्शी है, आर पार दिखने वाला है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, सॉलिड है। वॉशिंग सोडा इज़ वन ऑफ द फ्यू मेटल कार्बोनेट विच आर सोल्यूबल इन वाटर। सोल्यूबल है वाटर में। सोल्यूशन ऑफ वॉशिंग सोडा इन वाटर इज़ एल्केलाइन। एल्केलाइन है ये, मतलब बेसिक है, और ये क्या करेगा, बेस है तो क्या करेगा, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करेगा। डिटर्जेंट प्रॉपर्टी भी होती है इसकी, वॉशिंग वॉशिंग प्रॉपर्टी, क्लीजिंग प्रॉपर्टी। वॉशिंग सोडा हैज़ डिटर्जेंट प्रॉपर्टीज बिकॉज इट कैन रिमूव डर्ट एंड ग्रीस फ्रॉम डर्टी क्लोथ्स। यह जो है क्लोथ्स से क्या निकालता है, डर्ट, धूल, धक्कड़, गंदगी सब निकालता है। वॉशिंग सोडा अटैक डर्ट एंड ग्रीस टू फॉर्म वाटर सोल्यूबल प्रोडक्ट। उससे घुल मिल कर किससे, डर्ट या ग्रीज ऑयल से जो कपड़े में लगा रहता है उससे उसको डिजॉल्व कर देता है, डिजॉल्व करके वाटर में छोड़ देता है। जब हम कपड़े को खूब देर तक रिंस करते हैं, खंगालते हैं पानी में, रिंसिंग माने खंगालना, खंगालते हैं तो कपड़ा क्या हो जाता है, साफ हो जाता है। बाकी डिटेल में इसके बारे में हम आपको बताएंगे कार्बन वाला चैप्टर, क्लीजिंग प्रॉपर्टी ऑफ सोप में, वहाँ पर पूरा लेक्चर रहेगा हमारा नेक्स्ट टॉपिक में। यूज़ ऑफ सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा का उपयोग क्या है ये भी जानिए। सोडियम कार्बोनेट जिसको हम वॉशिंग सोडा कह रहे हैं, यूज एज अ क्लीजिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पज लाइक वॉशिंग क्लोथ, कपड़ा धोने में। इनफैक्ट सोडियम कार्बोनेट इज कंपोनेंट ऑफ मैनी ड्राई सोप एंड पाउडर्स। ये जो भी साबुन है या डिटर्जेंट पाउडर हैं उनका क्या है, मेन रॉ मटेरियल है कह सकते हो आप। सोडियम कार्बोनेट इज यूज फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। जो परमानेंट हार्डनेस होती है वाटर की, है ना, उसको रिमूव करने के लिए भी हम इसका उपयोग करते हैं। वाटर की हार्डनेस का मतलब ये है कि वाटर जो है प्रकृति में, शुद्ध वाटर तो आपको पता है 3% है, बाकी वाटर क्या है, इम्प्योर है। तो ऐसा वाटर जिसमें डिफरेंट टाइप के सॉल्ट घुले रहते हैं, जैसे कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, उसको हार्ड वाटर कहते हैं। उस वाटर की हार्डनेस को हटाने के लिए हम सोडियम कार्बोनेट का उपयोग करते हैं। सोडियम कार्बोनेट इज़ यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास, सोप एंड पेपर, ये सब बनाते हैं। सोडियम कार्बोनेट इज़ यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कंपाउंड सच एज बोरेक्स। बोरेक्स टाइप ऑफ ग्लास, बोरेक्स एक टाइप का ग्लास की किस्म है। अगला जो टॉपिक है हम पढ़ने वाले हैं वो है बच्चों बेकिंग सोडा। नाम सुना होगा, घर में भी यूज़ होता है, यूज़ करते होंगे आप लोग। द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। द फॉर्मूला ऑफ बेकिंग सोडा इज NaHCO3 कॉल्ड सोडियम बाइकार्बोनेट। इसको सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। बेकिंग सोडा इज समटाइम एडेड फास्टर कुकिंग फूड सच एज ग्रैम। जल्दी पकाने के लिए भी इसका उपयोग किचन में हम करते हैं, है ना। अब हम जानते हैं प्रोडक्शन कैसे होता है। इसका प्रोडक्शन देख लिया था आपने, वॉशिंग सोडा में ही देख लिया था कैसे प्रोडक्ट हो, कैसे प्रोड्यूस हो रहा था, वही टेक्निक है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज प्रोड्यूस ऑन लार्ज स्केल बाय रिएक्टिंग कोल्ड वाटर। कोल्ड वाटर के साथ क्रिया करते हैं एंड कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड जिसको हम ब्राइन कह रहे हैं विद अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड। NaCl प्लस NH3 प्लस H2O प्लस CO2, इन सबको, ये रॉ मटेरियल है, इनको रॉ मटेरियल कह सकते हो, इन सबको मिलाते हैं तो हमारा बनता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जिसको हम बेकिंग सोडा कहते हैं, और साथ में अमोनियम क्लोराइड बनती है। अब प्रॉपर्टी क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कंसिस्ट ऑफ वाइट क्रिस्टल एंड स्पेयरिंगली सोल्यूबल इन वाटर। ट्रांसपेरेंट है, पारदर्शी है, और पानी में अल्प विलेय है, कम घुलता है, स्पेयरिंगली माने कम घुलने वाला। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज माइल्ड नॉन कोरोसिव, माइल्ड बेस है ये, है ना, माइल्ड बेस है, कोरोसिव नहीं है, माइल्ड है तो कोरोसिव नहीं होगा, स्ट्रॉन्ग बेस कोरोसिव होते हैं। द सोल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इन वाटर इज माइल्डली अल्केलाइन। एक्शन ऑन ऑफ हीट व्हेन सोडियम
सॉलिड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज हीटेड, जब इसको गर्म किया जाता है तो गर्म करने पर ये क्या होगा, डिकम्पोज हो जाएगा, टूट जाएगा, किसमें, सोडियम कार्बोनेट और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। इसको हीट कर रहे हैं किसको, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को, NaSCO3 हीट किया तो सोडियम कार्बोनेट बना, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना, है ना। अब हम यूज जान रहे हैं, यूजेज ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, बेकिंग सोडा का उपयोग क्या है, बेकिंग सोडा इज यूज एज एन एंटासिड इन मेडिसिन टू रिमूव एसिडिटी ऑफ स्टमक, जब स्टमक में कभी एक्सेस एसिड बन जाता है, स्टमक में एसिड बन जाता है तो उस एसिड को रिमूव करने के लिए, उस एसिड के प्रभाव को न्यूलिफाई करने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं, बेकिंग सोडा का उपयोग करते हैं। अगर हम इसका उपयोग करेंगे तो एसिड क्या हो जाएगा, बना हुआ एसिड ख़त्म हो जाएगा पेट में। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बेकिंग सोडा इज यूज इन मेकिंग बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर को बनाने में इसका उपयोग होता है, जो कि केक्स और ब्रेड बनाने में इसका उपयोग होता है। बेकिंग पाउडर इज अ मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड माइल्ड एडिबल सॉल्ट एसिड सच एज टार्ट्रिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड की मौजूदगी में। व्हेन बेकिंग पाउडर मिक्स विद वाटर, जब बेकिंग पाउडर को वाटर के साथ मिक्स किया जाता है, देन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद टार्ट्रिक एसिड टू इवॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड। तो यह जो है बेकिंग सोडा टार्ट्रिक एसिड से क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करता है, उत्पन्न करता है। तो उत्पन्न करता है तो क्या होता है, जब भी आप ब्रेड बनाते हो या जो भी ब्रेड प्रोडक्ट, ब्रेड लाइक प्रोडक्ट बनाते हैं, तो क्या होता है, बेकिंग सोडा टार्ट्रिक एसिड की मौजूदगी में CO2 उत्पन्न करता है। CO2 उत्पन्न होने से ये आपका ब्रेड जो है क्या हो जाता है, फूल जाता है, फूलकर स्पंजी हो जाता है, इसीलिए हम इसमें टार्ट्रिक एसिड मिलाते हैं ताकि यह स्पंजी हो सके। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज यूज्ड फॉर फायर एक्सटिंग्यूशर, फायर एक्सटिंग्यूशर का काम भी के काम में भी आता है। यहाँ पर एक एक्टिविटी दी है, इस एक्टिविटी को ध्यान से पढ़िए, आप समझ में आ जाएगा आपके, नहीं आएगा तो फिर आप पूछ सकते हैं कि क्या हो रहा है। अगला है, अगली प्रॉपर्टी हम पढ़ रहे हैं, ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, इसको समझने के लिए आप थोड़ा इंतज़ार करें, नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ मैं इसके लिए आपको। ओके।